अरे मान मेरा कहना। कहना क्या मानना है पूछो। माथे पे टीका, घर के बाहर झंडा, मुख पर जय श्री राम, यही हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की भावना हो, इसलिए उठाओ दोनों हाथ। अरे मान मेरा कहना, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक बात बताओ, किसी को ऐसा सर्टिफिकेट मिला है कि तुम 100 साल में मरोगे? क्या किसी को ये पता है कि हम किस दिन मरेंगे? क्या पता कल भैया सीताराम हो जाए कोई ठिकाना? इसलिए काम करो, कल नहीं भगवान की भक्ति आज से करो, वरना कल किसी ने देखा। इसलिए आज ही सुधर जाओ, और कौन कौन अपने मन में प्रण लेकर आज से भक्ति का लेकर जाएगा, कौन कौन अपने घर के बाहर झंडा लगाएगा, पक्का ना भैया? इसलिए हम कह रहे हैं ये जीवन बार बार मिलने वाला। देखो एक बात बोले, लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक जेब में रुपया और चेहरे पर चमक है। जेब के रुपया गए, चेहरे की चमक गई तो ठटरी भराओ। घर की जो लुगाई होती ना अंग्रेजी में जिसे वाइफ कहते हैं, वाइफ भी भैया घर के बाहर तक जाती है, साथ में मिट्टी में नहीं जाती। बच्चे कहां तक? शमशान तक। ये तन, जिस तन में तुम खूब रगड़ रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, ये शरीर भी कब तक काम आएगा? जब तक इसमें आग नहीं लग गई, उसके बाद कुछ भी साथ में जाने वाला। इसलिए छिंदवाड़ा के पागलो, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये दुनिया वाले जिनके लिए तुम मरे जा रहे हैं, ये दुनिया वाले तब तक हैं जब तक तुम हो, और 13 दिन की 13वीं भाई और तुम्हारी पूरी खबी हो, जय जय सीताराम। और दूसरी बात, शमशान यात्रा जाते किस किस ने देखी जरा बताओ ना। हाँ हाथ नीचे कर लो। 3 चीजें डाली जाती हैं 100 पर, फूल, मखाने और सिक्का। देखा है ना क्यों डाले जाते हैं? फूल इसलिए डाले जाते कि जैसे ये फूल खुशबूदार हैं, हमारे परिवार में भी ऐसी खुशबू बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर जाइए। फूल की जगह कई जगह बतासे फेंके जाते हैं। मखाने, मखाने क्यों? जैसे ये मखाने फूले हैं ना, वैसे ही हमारा परिवार तुम हम जो छोड़कर जा रहे हैं वो फला फूला रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर जाइए। लेकिन रुपया क्यों डाले जाते? सिक्का, क्वाइन। क्वाइन इसलिए छाती पर फेंके जाते हैं मुर्दा के ओ माय डियर, तू एक एक रुपया के लिए 10-10 बजे रात तक काम करता रहा, परिवार, गुरुदेव, संत, महात्मा, किसी को नहीं तूने देखा अपनी जिंदगी में, एक एक रुपया कमाने के लिए तू झूठ बोलता रहा, एक एक रुपया गिर जाए तो तुम दूसरों को गाली बकता रहा, एक एक रुपया जोड़ने के लिए तुम भगवान की सत्संग कथा में नहीं गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा तेरी छाती पर डला है। मेरा कहना, इसीलिए मेरे पागल
चलो हम तुमसे प्रार्थना करेंगे आज कथा में भैया, भगवान की भक्ति के अलावा कोई दूजा साधन, इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम बंद करो, काम करो और आराम करो, पर मुख में राम रखो, कभी गलत मत करो, चरित्र के परिपक्व रहो। चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की होती है, इसलिए चरित्र के पक्के रहो, वाणी के पक्के रहो, कम बोलो, भगवान की कथा ज्यादा सुनो। देखो कंप्यूटर देखा है, किस किस ने देखा कंप्यूटर, कंप्यूटर में जब नेट चलाते हैं तो वायरस आ जाते हैं, हाँ जी या ना जी, तो वायरस मिटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करवाते हैं, हाँ जी या ना जी, एंटी वायरस प्रोग्राम आता है, वायरस पूरे गायब, फिर क्या होता है, स्मूथ चलने लगता है कंप्यूटर, हाँ जी या ना जी। वैसे ही दिमाग भी एक कंप्यूटर है, हमारा माथा भी खोपड़ी, और इस खोपड़ी में भी कई बार वासनाओं के, ईर्षा के, झूठ बोलने के, भगवान पर अश्रद्धा रखने के वायरस आ जाते हैं, और जब ऐसे वायरस आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कथा रूपी एंटी वायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना। कथा में बैठोगे, स्फूर्ति आ जाएगी, भगवान की भक्ति के प्रति हृदय जग जाएगा, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं क्या, मान मेरा कहना, माटी का खिलौना माटी में मिले एक बात, रामायण के हमने दो पात्र देखे, एक विभीषण और एक मंथरा, कौन कौन, एक विभीषण, विभीषण रावण का भाई है, मंथरा कैकेयी की दासी है, राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे रहते हैं भैया, जहां हैं जो कर रहे उसी में प्रभु को धन्यवाद करिए और कहिए मान मेरा कहना, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले, ओ माटी का खिलौना माटी में मिले जाए, आ माटी का खिलौना माटी में मिले जाए, ओ माटी का खिलौना माटी में मिले जाए। सुंदर रूप देख कर फूला, धन माया के मद में भूला, धन माया के मद में भूला। लोग कई बार अपने तन को देख कर फूले रहते हैं, एक बात बोले, श्रृंगार करना चाहिए, सजना चाहिए, पर सजना ही है तो संसार रूपी सजना के लिए क्या सजना, सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना। साधक गाता है, सुंदर रूप देख के फूला, गाइए ताली बजा के बैठे बैठे, धन माया के मद में भूला, धन माया के मद में, इस जग की तू मद में भूला, इस जग के तू मद में भूला। और एक दिन क्या होगा, एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले, ओ माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, मान मेरा कहना,
खिलौना।